तो बच्चों आज हम जो है किंगडम एनिमेलिया के बारे में जानेंगे कि कैसे जो है इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और जानेंगे कि ये जो है कैसे जो है इसका ओरिजिन हुआ मतलब है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनिमेलिया है क्या। तो एनिमेलिया की अगर आप बात करें तो एनिमेलिया एक किंगडम है। क्या है बच्चों? एक किंगडम है एनिमेलिया। और ये जो किंगडम है ये कहां से आया था? तो एक वैज्ञानिक थे आर एच विटेकर, नाम है ना बच्चों आर एच विटेकर, ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था। और इन्होंने कहा था कि हम जीवों को जो है इस दुनिया में जितने भी समस्त जीव है, जीवधारियां है, जीवधार है, तो उन सभी को जो है 5 जगत में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका मोनेरा, सेकेंड है आपका प्रोटिस्टा और थर्ड है आपका फंजाई, फोर्थ है आपका प्लांटी और फिफ्थ है आपका एनिमेलिया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये एनिमेलिया है वो क्या है? एक किंगडम है और ये एक ऐसा किंगडम है जो कि आपका जो है जिसमें जो है जंतु आते हैं बेसिकली। अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में जो है बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें जो है सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूरिना हो गया। और फंजाई की अगर आप बात करें तो इसमें जो है कवक आती है बेसिकली। ठीक है, और प्लांटी की बात करें तो जितने भी पेड़ पौधे हैं ठीक है वो सभी के सभी जो है हमारे प्लांटी किंगडम के अंदर आ जाते हैं। तो ये हम जब बॉटनी पढ़ेंगे तो तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जो है बेसिकली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एनिमेलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें जो है जंतु आते हैं बेसिकली। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया एक किंगडम है जिसको फर्दर जो है 2 ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं, एक तो नॉन कॉर्डेटा है और दूसरा कॉर्डेटा है। लेकिन इसको बांटा क्यों गया? क्योंकि एक कैरेक्टर को आधार मान करके इसको जो है बांटा गया है। आपने नाम सुना होगा नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिस जीव में पाई जाती है उसको कॉर्डेटा कहते हैं और जिस जीव में नहीं पाई जाती वो नॉन कॉर्डेटा कहलाते हैं। नोटोकॉर्ड की अगर आप बात करो तो नोटोकॉर्ड एक सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे लोहे की रॉड होती है ना, तो ऐसी एक रॉड समान संरचना होती है जो बेसिकली जीवों के भ्रूण में पाई जाती है, मतलब भ्रूण अवस्था में बेसिकली देखने को ये मिलती है। जैसे हम अपना उदाहरण ले तो हम जब भ्रूण अवस्था में होंगे यानी माता के गर्भ में जब हम रहे होंगे तो हमारे में भी नोटोकॉर्ड होगी, लेकिन उस नोटोकॉर्ड अब वो नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस होकर के उसकी जगह किसने ले ली है? वर्टिकल कॉलम ने, यानी रीढ़ की हड्डी आ गई है उसकी जगह, ठीक है, जो हमारे सपोर्ट के लिए काम करती है। ठीक है, तो इतना आप समझ लो कि ये जो है भ्रूण अवस्था में एक रोड समान संरचना है जो कि क्या करती है, उस भ्रूण को जो है मतलब एक आप ऐसा कह सकते हो सहारा देती है मतलब। ठीक है, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी हमारे लिए एक पूरा एक तरह से वो है फ्रेमवर्क बनाती है पूरा, तो ऐसी ही नोटोकॉर्ड होती है। तो जिन जीवों में भी नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? कॉर्डेटा कहलाते हैं। और जिन जीवों में नहीं पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? नॉन कॉर्डेटा कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए। अब आगे की बात करें, नॉन कॉर्डेटा की अगर बात करें तो आपने एक और बेसिक जो क्लासिफिकेशन है जिसको आप पढ़े होंगे, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट।